आदरणीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, अनिल जोशी जी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन मिश्रा जी, इस सभागार में बैठे मित्रगण एवं हमसे अभी जुड़े हुए न केवल जो आज के विजेता है वही नहीं, लाखों लोग। कल मैंने देखा था, हमारा जो फेसबुक पे लाइव था तो मैंने किसी समय देखा था कि कम से कम 2 या 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके थे। तो मुझे आशा है कि आज भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े होंगे। तो आप सबको, आप सबका अभिनंदन और आप सबों का एक बार फिर से जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से स्वागत। और विजेताओं को सबसे पहले मैं बधाई दे देना चाहूंगा। जब भी मैं इस विभाग में काफी दिनों से हूं, जैसा कि आप जानते हैं 4 वर्षों से ज्यादा से यहां हूं, तो जब भी मुझे ऐसी जगहों पे पहले मौका मिलता था कहने का, तो मैं कुछ जो डेटा, कल हर जगह लोग जो डेटा कहते हैं, मैं भी उसकी शुरुआत वहीं से करता था कि कैसे इंडिया में हमारे पास केवल वर्ल्ड का 4% पानी है, 18% पॉपुलेशन है, 17% कैटल पॉपुलेशन है। हम एक फाल्कन मार्क की बात भी करते थे जिसके बेसिस पे हम कहते थे कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते थे कि कैसे वाटर अवेलेबिलिटी घटती जा रही है, क्या थी 1947 में और आज क्या हो गई है। जो हमारे कुछ मित्र बैठे हैं वो पर कैपिटा वाटर स्टोरेज की बात करते हैं, वो बड़े बड़े डैम्स में कितना पानी हम स्टोर करते हैं उसकी बात करते थे, और वो फाल्कन मार्क के बेसिस पे ये भी कहते थे कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। अब मैं इधर से बहुत कुछ दिनों से एक्सपीरियंस के बाद मैं अपनी बात जब करता हूं तो मैं कहता हूं कि इंडिया इज अ वाटर सरप्लस कंट्री। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री। हाउ कैन अ कंट्री व्हिच गेट्स मोर देन 1000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, नो मैटर हाउ वियर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी, बट अगर हमारे पास 1000 मिलीमीटर बारिश होती है से ज्यादा होती है एवरेज, कहीं 3000 मिलीमीटर होती है, कहीं 300 मिलीमीटर होती है, ये सही है, लेकिन जिस कंट्री में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो वो कंट्री जो है वो वाटर स्ट्रेस कंट्री नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारी गलती ये रही है कि पानी का प्रबंधन जैसा करना चाहिए वो ऐसा हमने नहीं किया है। भारत में और भारत के बाहर ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां इससे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है और फिर भी पानी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। तो जरूरत आज के दिन में है बेसिकली अब सही प्रबंधन की। लेकिन उसके पहले, कल आपको याद होगा जब उपराष्ट्रपति जी अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने 3 आर्स की बात की थी। हम लोग पहले स्कूल के दिनों में कोई और 3 आर्स पढ़ा करते थे, आपको याद होगा, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। मुझे समझ में नहीं आता है उसको 3 आर्स क्यों बोलते थे, क्योंकि रीड राइटिंग तो W से शुरू होती है, अर्थमेटिक में भी बाद में ही आता है R, बट 3 आर्स उसको बोला जाता था। बाद में यहाँ पे हम लोगों ने सीखा रिसाइकिल, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये 3 चीजों की बात हुई, ये 3 आर्स। अब आजकल हम सब लोग जो है यहाँ वाटर में हम बात करते हैं 5 आर्स की। चौथा आर जो है वो हमारा रिचार्ज। मुझे याद है कि मंत्री जी ने एक बार पूरे MPs को एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो मंत्री जी ने उस दिन प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा स्टोरेज, वाटर स्टोरेज जो है स्ट्रक्चर कहाँ है, क्या है। तो लोगों ने अपने अपने नाम बताए, किसी ने कहा सरदार सरोवर डैम, किसी ने कहा भाखड़ा डैम, किसी ने कहा हीराकुड डैम। तब मंत्री जी ने कहा नहीं भाई, सबसे बड़ा स्टोरेज जो है, जो सारे हमारे स्टोरेज को मिला के जितना पानी जमा होता है उससे पानी ज्यादा तो है जो हमारा अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो है। तो इसलिए चौथा आर हमारा है रिचार्ज। सिंपल भाषा में हम यही कहते हैं कि अगर धरती माँ को हम पानी पिलाएंगे तो धरती माँ हमें भी पानी पिलाएगी। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, तो फोर्थ इज रिचार्ज। बट फिफ्थ आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, जिसके बारे में अभी अभी अनिल जोशी जी ने कहा, रिस्पेक्ट। वी मस्ट रिस्पेक्ट वाटर। और ऐसा नहीं है, हमारे कंट्री में पानी को रिस्पेक्ट दिया जाता था, कहीं ना कहीं हमने उस रिस्पेक्ट को खो दिया है। आज के दिन में आवश्यकता है वापस उस रिस्पेक्ट को लाने की, और कोशिश भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि उस दिशा में कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो ये 5 आर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पानी और प्रकृति की समझ हमें जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। उन्होंने एक स्टूडेंट की बात कही, थैंक्स गॉड उसने यही कहा जूस पियेंगे, आजकल के बच्चे तो ये भी बोलेंगे कि पानी नहीं मिला तो बियर पियेंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं कहा तो अच्छी बात है। तो पानी की समझ, अब पानी कहाँ से आता है, तो पानी तो वही टोटी से आता है, पानी तो टैप से आता है। भाई टैप पानी का सोर्स थोड़े है, वो तो एक डिस्पेंसर है पानी। अब एक्वीफर की जानकारी कितने लोगों को है। मुझे याद है कि जब मैंने गंगा, जहाँ पे आज DGNMCG है, मैंने जब DGNMCG हुआ तो सब लोग गंगा की सफाई, गंगा क्लीनिंग कहते थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, कम से कम गंगा रिजुविनेशन कहें, रिजुविनेशन इज मच मोर। तो अब उसमें सबसे बड़ी बात थी कि मैं यही कहा करता था कि गंगा की समस्या जो है वो 7 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, जिसने हाथी का जो हिस्सा छुआ उसको लगा हाथी वैसा ही है।
तो वैसे ही गंगा की बात थी। अब इन सबसे ज्यादा गंगा के लिए या किसी भी नदी के लिए क्या जरूरी है? पानी। या रिवर इज दैट विच फ्लोज, ये तारे साहब से हमने सीखा था एक शुरू शुरू में ही, रिवर इज दैट फ्लो दैट विच फ्लोज। तो 8 महीने तो यमुना दिल्ली की नदी ही नहीं रहती क्योंकि उसमें कोई प्रवाह नहीं होता है। तो नदियों में कैसे प्रवाह लाया जाए, ये एक जानने की चीज है। कि ये नहीं है कि रिवर क्लीन, रिवर रिजुवनेशन जस्ट मींस कि हाँ भाई वहां पे हम कूड़ा करकट हटा दें, उसके चाहे लिक्विड वेस्ट सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर ले, वो जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जैसे देह को रक्त की जरूरत है, वैसे नदियों को पानी की जरूरत है। अब उस पानी का कैसे सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन से, ग्राउंड वाटर से एक्सप्लॉयटेशन से संपर्क है, ये हमें जानने की जरूरत है। नदियों में लीन सीजन में जो पानी आता है वो तो एक्यूफर से आता है। अब एक्यूफर को हमने ऐसा सुखा दिया कि अब एक्यूफर से पानी क्या आएगा, नदी में जो थोड़ा पानी बचा है वो एक्यूफर में जाएगा। फ्लड प्लेन्स, हम जब फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि फ्लड प्लेन्स की क्या जरूरत है। वहां पे घर बनाओ, वहां पे मंदिर बनाओ, वहां पे मस्जिद बनाओ, वहां पे कूड़े करकट दिल्ली के सारे कंस्ट्रक्शन वेस्ट डाल दो। भाई रूम फॉर द रिवर, हर चीज के लिए नदियों के लिए भी जगह चाहिए। हम उनके घर में घुसेंगे, आज के दिन में वो हमारे घर में घुस रहे हैं। जैसे हम जंगल में घुसते हैं तो जंगली जानवर हमारे घर में घुसते हैं, वैसे ही हम वहां घुस रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग, आजकल आप सुनते रहते हैं अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग क्यों होती है भाई? अर्बन फ्लडिंग जो है वो कोई नदी का पानी शहर में नहीं घुस जाता है जनरली, वो तो शहर में जो पानी पहले बरसात होती थी वो पानी या तो जमीन के नीचे जाता था, हमने वो रास्ते बंद कर दिए, हमने सारे छिद्र बंद कर दिए, हमने हर जगह कंक्रीटिंग कर दी, तो पानी अंदर नहीं जा सकता। पानी बह के जाता था जिन वाटर बॉडीज में, वो वाटर बॉडीज को हमने बंद कर दिए, या उसका जो चैनल था जिस चैनल से हो जाता था उसको हमने इनक्रोच कर लिया, वो पानी भी नहीं जाता है। तो पानी हमारे घरों में ही तो आएगा, अगर पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए ये बहुत जरूरी है जो उन्होंने कहा कि पानी और प्रकृति की समझ जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बात हो रही है, जब मैंने जल प्रबंधन की बात की तो कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब स्पेशली प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने फिर से दोबारा प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया था तो वो एक मन की बात कहते हैं, आप सब लोग मन की बात सुनते होंगे, हमारे ख्याल से लास्ट संडे को 11 बजे आता है, तो उसमें उन्होंने एक बार 10 से 12 मिनट तक केवल पानी की बात की। उसके बाद के मन की बात में भी वो बात करते रहे हैं और उन्होंने बात की, ये बताई कि भाई पानी की हमारी कितनी समृद्ध परंपरा रही है और हम पानी को पूछते रहे हैं। मंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि ये देश ऐसा देश है जहां देश जल को जगदीश मानने वाला देश। जब उन्होंने उसकी बात की, उसके बाद से, पहले भी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पानी का महत्व तो नहीं था, पानी के ऊपर चर्चा नहीं थी, लेकिन उसके बाद हर फोरम पे पानी की चर्चा होने लगी और इसके इश्यूज के लिए सारे लोग जागृत होने लगे। कल हमने भारत सरकार के केवल कुछ पहल की बात की थी कि कैसे एक मंत्रालय बनाया गया जहां इंटीग्रेटेड फैशन में वाटर को, इंटीग्रेटेड मैनर में वाटर को डील किया जाए, या हमने एक दो और चीजों की बात करी कि जल जीवन मिशन में कैसे हर घर स्वच्छ जल एक समुचित मात्रा में पहुंचाने की बात हुई। सबसे बड़ी बात, छोटा स्कीम है लेकिन वो एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, द वे वी मैनेज वाटर इज अटल भूजल योजना। पहले केवल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बात करते थे कि पार्टिसिपेटरी मोड में हम वाटर को मैनेज करें, आज हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने भारत सरकार के लेवल पे किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेट ने नहीं किया, वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टेट्स में। राजस्थान में जो पहले सरकार थी तो उन्होंने एक प्रारंभ किया था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। आप गुजरात की बात करें तो हाँ सुजलाम सुफलाम, कहीं आप मिशन काकातिया, अभी कहीं कल ही बात हो रही थी जब चेन्नई का दिखाया जा रहा था, उनके यहाँ का भी कुदी मरामतु और व्हाटएवर इज कॉल्ड एक्चुअली। तो इस ढंग से बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन, जिसके अंदर सारे कुएं तालाबों हर आहार पाइन सबको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही जिला के लेवल पे भी, जिला स्तर पे ये नहीं है कि कल मंत्री जी एक बार बोल रहे थे, कल हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अवार्ड दिए थे, क्योंकि मेरा पता नहीं, मेरा ऐसा अनुभव है कि इस कंट्री में तीन फंक्शनरीज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है पीएम सीएम एंड डीएम। तो प्रधानमंत्री जी ने बात की, सबने उसकी बात करनी शुरू की, अगर मुख्यमंत्री राज्य में बात करते हैं तो बाकी लोग बात करना कर, वैसे ही जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कंटिन्यू टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज। कल आप लोगों ने देखा, बहुतों के एक एक मिनट के वीडियो दिखाए गए, मैं तो चाहूंगा कि बाकी जो सेकंड और थर्ड प्राइज विनर है उनके भी वीडियो बनाए जाए, बार बार उसको दिखाया जाए डिफरेंट फोरम्स पे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो इतने अच्छे काम हुए हैं, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है,
मैं तो जनरली क्या होता है कि जब मेरी उम्र में रिटायरमेंट के आसपास जब कोई ऑफिसर आता है तो ये शुरू करता है, मैं जब कलेक्टर था तो मैं ये करता था। मैं तो उल्टा कहता हूँ, मैं जब कलेक्टर था तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्वीफर क्या होती है, मेरे जिले में पानी का स्तर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मैंने कभी चिंता नहीं की, वाटर बॉडीज की हमने चिंता नहीं की, हमने क्रॉपिंग पैटर्न की चिंता नहीं की, हमने कन्वर्जेंस की चिंता नहीं की, हमने ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की चिंता नहीं की। आज के दिन में मुझे अच्छी बात अच्छा लग रहा है कि आज के दिन में यंग ऑफिसर्स हैं, और इसीलिए मैं हर शनिवार को 2 घंटे 2.5 घंटे मिला निकाल के उनसे बातें करता हूं, वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करता हूं, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे, अभी मैंने रिस्पेक्ट की बात की थी, मैं बांदा गया था 2 बार, पहली बार गया था क्योंकि बांदा का नाम आते ही होता है ना कि बुंदेलखंड, जैसे ही कंट्री में कहीं सूखे की बात होती है पानी की दिक्कत होती है तो राजस्थान सर का जो एरिया है, राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों की बात होती है, मराठवाड़ा और विदर्भा की बात होती है, साथ में बुंदेलखंड की बात भी होती है। तो वहां गया उस दिन, क्या उसने जो वहां का जो समय डीएम थे उन्होंने क्या मेरे लिए प्रोग्राम कर रखा था, बहुत सारे कर रखे थे, लेकिन साथ में ये था कि वहां की 7,000 कुओं पे 5-5 महिलाएं दीपदान करेंगी। अभी जो बात नौला पे इन्होंने कहा था कि नौला दिवाली की बात इन्होंने की थी, तो 7,000 कुओं पे 5-5 महिलाएं दीपदान कर रही थी। दीपदान से पानी नहीं आता है, लेकिन पानी के प्रति, कुओं के प्रति जो एक वापस रिस्पेक्ट को लाना है, उसके ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, कम से कम 50-100 उदाहरण मैं जानता हूं जहां पे जिला स्तर पे बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। व्यक्ति विशेष को तो आपने कल देखा था, हमने एक वाटर वॉरियर कैटेगरी में भी लोगों को अवार्ड दिए थे। तो आज के दिन में पानी पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो निगेटिव चीजें होती हैं, इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट्स नॉट अ न्यूज, इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट बिकम्स अ न्यूज, तो लोगों को न्यूज के लिए थोड़ा सा चाहिए कि कोई चीज निगेटिव होती है तो जल्दी सेल करती है एक्चुअली। तो इसलिए बहुत कम बातें होती हैं कि पानी के ऊपर इतने सारे काम हो रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा, पहले 2007 में भी शुरुआत की गई थी एक छोटे स्तर पर, जनरली वो ग्राउंड वाटर पे अच्छे काम करने वाले लोगों को कुछ पुरस्कृत किया जाता था, बट फिर हमने सोचा कि क्यों ना जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं, और जो भारत सरकार से रिकॉग्निशन प्राप्त होगा वो चाहे कोई भी संस्था उनको रिकॉग्निशन दे उसका कोई ज्यादा उतना मायने नहीं रहता है जितना कि भारत सरकार उनको रिकॉग्नाइज करे। तो इसी उद्देश्य से पिछले साल 2018 में पिछले से पिछले साल पहला नेशनल वाटर अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किया गया था, और पहला साल था इसलिए उतनी हमें प्रविष्टियां भी नहीं मिली थी, 379 हमको एंट्रीज मिली थी, वैलिड एंट्रीज एक्चुअली, और उसके बेसिस पे 14 कैटेगरी में हमने पिछले साल 82 अवार्ड्स दिए थे। उस समय के जो हमारे मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उनके कर कमलों से भी यहीं पे एक बड़ा सा फंक्शन करके दिल्ली में उनको दिया गया था। उसके बाद अगले साल देखिए कि जब 2019 में हमने प्रविष्टियां मांगी, सितंबर में लॉन्च किया, तो इस बार हमको उससे 3 गुना ज्यादा, 1100 से भी ज्यादा प्रविष्टियां जो है हमें मिली, और उसमें से फिर 16 कैटेगरी में आज 98 अवार्ड्स जो छांटे गए, जिसमें से कल 48 चार कैटेगरी में दिए गए थे, और आज बाकी जो अवार्ड्स हैं उनको 50 अवार्ड्स को बाकी 12 कैटेगरीज हैं उनमें आज दिए जाएंगे एक्चुअली। और इसके लिए हमने कोशिश की थी, इसलिए हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, 2 स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी जिन्होंने पहले उसमें स्क्रीनिंग की थी, उसके बाद हमने एक जूरी कमेटी भी बनाई थी जिसमें हमने बाहर के लोगों को रखा था, पहले हमारे जो सचिव यहाँ हुआ करते थे शशि शेखर जी, उन्होंने उसको हेड किया था। तो मैं आज वो है नहीं, हम तो चाहते कि जूरी के मेम्बर्स भी आज यहाँ होते या हमारे साथ अगर जुड़े हों तो अच्छी बात है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, स्क्रीनिंग कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम तुरंत ही, चूँकि इसको हम करना चाह रहे थे मार्च में, 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे के दिन, लेकिन आपको सबको पता है पैंडेमिक के कारण, और हमें लगा कि मे भी 3-4 महीने बाद शायद हम इस स्थिति में होंगे कि इसको हम फिजिकली कर पाएंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन जैसी स्थिति आगे बनी उसमें ऐसा हुआ कि हम इसको फिजिकली नहीं कर पाएंगे, और अगले साल का अवार्ड अभी तक हम की घोषणा, मतलब वो प्रोग्राम स्कीम की घोषणा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसको देने के बाद ही करेंगे। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगली बार और हम इसको कैसे परिमार्जित कर सके, कैसे रिफाइन कर सके, उसकी भी हमारी कोशिश रहेगी। तो आज जो अवार्ड दिए जाएंगे उनकी कैटेगरी तो आप लोगों को कल मैंने बताई थी, बट फिर भी जो आज की कैटेगरी है उसमें हम बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज, बेस्ट रिसर्च इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी, बेस्ट एजुकेशन मास अवेयरनेस एफर्ट, बेस्ट टीवी शो,
बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, RWA, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट NGO, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज। इस ढंग से करके 12 कैटेगरीज में आज 50 अवार्ड सभी इमिडिएटली दिए जाएंगे। तो मेरा मानना है कि पानी के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जैसा कि मैंने कल कहा था, अगर हमें भारत को क्योंकि भारत ऐसा कंट्री है, ना तो हमें कोई खिला सकता है ना तो हमें पिला सकता है, हमें आत्मनिर्भर खुद रहना पड़ेगा। बाकी चीज आज के दिन में हम चाहे वो गैस हो, ऑयल हो, उनका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, उसको हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। हम पानी को इम्पोर्ट करके हमें कोई नहीं लाएगा, इसलिए हमारे जैसे बड़े देश को पानी के ऊपर खुद आत्मनिर्भरता करनी है। और हमारे ख्याल से अगर होगी भी, जिस ढंग से हम सब मिलके इस पे मेहनत कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि हमें एक जिसको हम कहते हैं कि वाटर रिच कंट्री के रूप में हम इंडिया को नहीं देखा जा सकता, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि हम सब इसमें मेहनत करते रहें। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं दो पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, होगी या नम मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। बहुत बहुत धन्यवाद।